Om Jnantim Randasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Amilitamin Tasme Shri Gurvena Mukam Karoti Vachalam Pamulam Ayati Girim Yatkarpatamam Vande Shri Guru Deen Ta Jai Gopal. आई मेरी प्रिय बहन भाइयों, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कृष्ण भजन सभा में, और सभी को मेरे प्रणाम भी। जय गोपाल। आई सभा का पहला भजन सुनिए। जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। करना हो जब कोई काम तो ऐसा काम कर, करना हो जब कोई काम तो ऐसा काम कर। अपना और अपने पुरखों का तू नाम कर। जब करना हो कोई काम तो ऐसा काम कर, अपना और अपने पुरखों का तू नाम कर। जब राम समझ नहीं आए तो एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। कर मात पिता की सेवा तू आराम कर, कर मात पिता की सेवा तू विश्राम कर। कर दान धर्म कर ध्यान सुबह और शाम कर, कर मात पिता की सेवा तू विश्राम कर। कर दान धर्म कर ध्यान सुबह और शाम कर। कर दया दीन दुखियों का कुछ उपकार कर, कर दया दीन दुखियों का कुछ उपकार कर। मत खा निर्दोषों को तू मार कर, मत खा निर्दोषों को तू मार कर। जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। सतपथ पर चल तू झूठ को झट इनकार कर, सतपथ पर चल तू झूठ को झट इनकार कर। दुख सुख आए जब मार्ग में स्वीकार कर, सतपथ पर चल तू
झूठ को इनकार कर, दुख सुख आए जब मार्ग में स्वीकार कर। जब राम समझ नहीं आए तो एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। है प्रेम जगत में उजियारा तू प्रेम कर, है प्रेम जगत में उजियारा तू प्रेम कर। तू बन जाए जग प्यारा जाए जमका डर, है प्रेम जगत में उजियारा तू प्रेम कर। तू बन जाए जग प्यारा जाए जम का डर। जब राम समझ नहीं आए तो एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। अग्नि जल थल नभ वायु का सम्मान कर, अग्नि जल थल वायु का, अग्नि जल थल नभ वायु का सम्मान कर। जब सूरज निकले सूरज की पहचान कर, जब सूरज निकले सूरज की पहचान कर। जब राम समझ नहीं आए तो एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। तजमान सकल साधु संतन का मान कर, तजमान सकल साधु संतन का मान कर। भव तर जाएगा सांख्य फकीरा जान कर, भव तर जाएगा सांख्य फकीरा जान कर। जब राम समझ नहीं आए तो एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जब राम समझ नहीं आए तो एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। जय गोपाल, ये भजन की पंक्तियों में थोड़ा सा रहस्य है। कल किसी से इस भजन के विषय में थोड़ी चर्चा हुई तो कहने लगे कि स्वामी जी
कहाँ पीपल के वृक्ष ढूंढते फिरेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, नीम के पीपल के नीम के नीचे चले जाओ, आम के नीचे चले जाओ, बबूल के वृक्ष के नीचे चले जाओ, या पीपल के तल से मतलब तो है कि संतोष की सांस लेना, कि संतुष्टि बनो। फिर आगे की पंक्तियां दी हैं, जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर, करना हो जब कोई काम तो ऐसा काम कर, अपना और अपने पुरखों का तू नाम कर। काम करने को मना नहीं किया, पीपल के नीचे जाके सोने को आलसी बन के, ऐसा नहीं कहा है। कर मात पिता की सेवा तू विश्राम कर, कर मात पिता की सेवा तू विश्राम कर, कर दान धर्म कर ध्यान सुबह और शाम कर, कर दान धर्म और ध्यान। ध्यान तो मनुष्य को ध्यान से चलना चाहिए, खाना चाहिए, ध्यान से बात करनी चाहिए, ध्यान से सब प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, ये तो कोई भी नास्तिक कर सकता है। कर मान पिता की, कर मात पिता की सेवा तो विश्राम कर, कर दान धर्म, दान नास्तिक भी दान करता है, धर्म यानी अपने स्वभाव को निर्मल बनाना, कर दान धर्म कर ध्यान सुबह और शाम कर, कर दया आदि। कहना चाहता था 24 घंटे कर, लेकिन यहाँ पर शब्दों की तुकान है। कर दान धर्म कर ध्यान सुबह और शाम कर, जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, तू पीपल के तल जाकर आराम कर। सत कर दान दीन दुखियों का कुछ उपकार कर, कर दान दीन दुखियों का कुछ उपकार कर, मत खा मत खा निर्दोषों को तू मार कर, सतपथ पर चल तू, ये तो आप समझ गए, मत खा मत खा निर्दोषों को तू मार कर, जिनका कोई दोष नहीं उनको क्यों खाने लगे हो। मत खा निर्दोषों को तू मार कर, सतपथ पर चल तू झूठ को झट इनकार कर, सतपथ पर चल तू झूठ को झट इनकार कर, दुख सुख आए जब मार्ग में स्वीकार कर। है प्रेम जगत में उजियारा, प्रेम को उजियारा कहा है, अटैचमेंट को अंधियारा कहा है। प्रेम और वैमनुष्यता, वैमनुष्यता को अंधियारा कहा है। है प्रेम जगत में उजियारा, तू प्रेम कर तू बन जाए जग प्यारा, जाए जम का डर। जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर। अग्नि जल थल नभ वायु का सम्मान कर, जिस पृथ्वी माता पर रह रहे हैं वो पृथ्वी माता का सम्मान कर। जल थल जल का सम्मान कर जिससे ये जीवन मिला है। जल थल अग्नि, अग्नि के बिना हम भोजन नहीं पचा सकते, हमारे पेट में अग्नि है, शरीर में अग्नि है, तब ये जीवन है उतना नहीं। अग्नि जल थल नभ वायु का सम्मान, नभ नहीं हो तो ये पृथ्वी माता भी कहाँ रहेगी, नभ है आकाश है तभी हम सब यहाँ पर स्थिर हैं। अग्नि जल थल नभ वायु का सम्मान कर, सांस कैसे लोगे। जल अग्नि जल थल नभ वायु का सम्मान कर, जब सूरज निकले, जब सूरज निकले सूरज की पहचान कर। जब राम समझ नहीं आए तब एक काम कर, किसी पीपल के तल जाकर तू आराम कर, संतोष की सांस ले। तजमान सकल साधु संतन का मान कर, तजमान तुम, आपके सामने कोई सज्जन पुरुष हैं, साधु जन हैं, उनका सम्मान करना आपका धर्म है। आप भगवान को जाने या नहीं जाने कोई बात नहीं, तजमान अपना मान तज दे। तजमान सकल साधु संतन का मान कर, भव तर जाएगा सांख फकीरा जानकर, ऐसा जानकर के ये सांख फकीर तू भव तर जाएगा। यदि
अपनी भावना को पवित्र करने का एक मार्ग यहाँ पर बतलाया है। आपकी भावना पवित्र है तो आप पवित्र स्थान पर चले जाएंगे, यानी मुक्ति की ओर चले जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, संदेह नहीं है इसमें। जय गोपाल। इस सभा को यहाँ पर विराम दूँ या नहीं दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मैं विराम नहीं दूंगा, एक बजे और भी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। गला साथ नहीं दी तो क्या हुआ, हृदय साथ देना चाहिए। लीजिए, ये तो बहुत सुंदर भजन है, गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशंस में उनकी महिमा का गान किया है इसमें। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत सुंदर सोर उठा है। गुरु बिन मिले न ज्ञान, यद्यपि सुधा बरसे जल, फूले फले न बेत, बेत यानी पत्थर, पत्थर में फल फूल नहीं लगते, यद्यपि सुधा बरसे जल, यदि अमृत की भी बारिश हो रही हो तो पत्थर में फल फूल नहीं लगते। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सन, यदि ब्रह्मा भी गुरु बन जाए तो मूरख के हृदय में कभी चैतन्यता प्रकट नहीं होती। मूरख तो हमेशा मूरख ही रहते हैं, गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के बिना कैसे ये आंखें खुलेंगी, ज्ञान का चक्षु खुलेगा। गुरु ही, गुरु का मतलब ही है जो उजाले से उजाले मिला है, अंधेरे से उजाले मिला है। गुरु यानी अंधेरा, रू मानी उजाले, गुरु जो अंधेरे से उजाले मिला है उसे गुरु कहते हैं। जो हमारी अंधी आँखों को सुरमा प्रेम का अंजन करे वो गुरु, हमारी आँखों को खोले ज्ञान के चक्षु, तो वो गुरु है। गुरु है, गुरु, गुरु की बहुत महिमा है। गुरु, गुरु के बिना अर्जुन को ज्ञान नहीं मिलेगा। कृष्ण जी को गुरु स्वीकार किया तभी उनको गीता का ज्ञान मिला। वो इसलिए कहा है महापुरुषों ने, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभुपाद हमारे घर आना। प्रभुपाद जी तो सन 1977 में ये धराधाम त्याग करके और हरिधाम की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके भक्त तो उन्हें पुकारते रहे हैं, पुकारते रहेंगे, कि उन्होंने जो महान कार्य, महान सेवा की श्री श्याम सुंदर भगवान की, वो बिरला ही शायद कोई कर पाए। विश्व जानता है उन्होंने भगवान के नाम का सारी दुनिया में प्रचार किया। उनके मिशन को इस्कॉन नाम से लोगों ने जाना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो हमारे शिरोधारी गुरु जी हैं, उनको बारंबार प्रणाम। प्रभुपाद हमारे घर आना, प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना, प्रभुपाद हमारे घर आना, प्रभुपाद हमारे घर आना। श्रद्धा के दीप जलाए हृदय, श्रद्धा के दीप जलाए हृदय, दुखियों को मार्ग दिखलाना, प्रभुपाद हमारे घर आना, प्रभुपाद हमारे घर आना। जो दीप जले तेरी करुणा से, उनके ही सहारे जीते हैं। जो दीप जले तेरी करुणा से, उनके ही सहारे जीते हैं। दुनिया के व्यसन, दुनिया के व्यसन सब दूर हुए, हरि नाम का प्याला पीते हैं। सूरज का उजाला
कब होगा इतना भी हमें बतला जाना। सूरज का उजाला कब होगा इतना भी हमें बतला जाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना। श्रद्धा के दीप जला हृदय, श्रद्धा के दीप जला हृदय, दुखियों को मार्ग दिखलाना। दुखियों को मार्ग दिखलाना, दुखियों को मार्ग दिखलाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझे दीन को दर्शन दे जाना। अब प्यास जगी हरि मिलने की, आकर के प्यास बुझा जाओ। अब प्यास जगी हरि मिलने की, आकर के प्यास बुझा जाओ। कब कहाँ जाना कब नहीं जा, कब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, आकर के हमें समझा जाओ। कब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, आकर के हमें समझा जाओ। कहाँ हरि का वास निवास प्रभु, कहाँ हरि का वास निवास प्रभु, आकर हमको बतला जाना। कहाँ हरि का वास निवास प्रभु, आकर हमको बतला जाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना। श्रद्धा के दीप जला हृदय, दुखियों को मार्ग दिखलाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, प्रभुपाद हमारे घर आना, प्रभुपाद हमारे घर आना। हम नैन बिछाए हैं मग में, और अखियन में है नीर प्रभु। हम नजर बिछाए हैं मग में, और अखियन में है नीर प्रभु। प्रभुपाद कृपा कर आ जाओ, सुन विनती एक फकीर प्रभु। तेरा सांख्य भिखारी तरस रहा, आकर श्री चरण दिखा जाना। तेरा सांख्य भिखारी तरस रहा, आकर श्री चरण दिखा जाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना। श्रद्धा के दीप जला हृदय, दुखियों को मार्ग दिखलाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जी के लिए हृदय से विचार आए थे, प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन दे जाना। श्रद्धा के दीप जला हृदय, दुखियों को मार्ग दिखलाना। जो दीप जले तेरी करुणा से, उनके ही सहारे जीते हैं। दुनिया के विषम सब दूर हुए, हरि नाम का प्याला पीते हैं। सूरज का उजाला कब होगा इतना भी हमें बतला जाना। प्रभुपाद हमारे घर आना, मुझ दीन को दर्शन देना। अब प्यास जगी हरि मिलने की, आकर के प्यास बुझा जाओ। कब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कब कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, आकर के हमें समझा जाओ।
का हरि का वास निवास प्रभु आकर हमको बतला जाना प्रभुपाद हमारे घर आना मुझ दीन को दर्शन दे जाना। हम नजर बिछाए बैठे हैं मग में और अखियन में है नीर प्रभु प्रभुपाद कृपा कर आ जाओ सुन विनती एक फकीर प्रभु तेरा सांख्य भिखारी तरस रहा आकर श्री चरण दिखा जाना प्रभुपाद हमारे घर आना मुझ दीन को दर्शन दे जाना। श्रद्धा के दीप जला हृदय दुखियों को मार्ग दिखलाना प्रभुपाद हमारे घर आना प्रभुपाद हमारे घर आना। बहुत धन्यवाद, आपने इस सभा का आनंद लिया। इस सभा को यहीं विराम देते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय गोपाल।